Hi friends, I am Sujeet and you are watching Sujeet Academy. Today we are going to discuss the Nun's Priest Tale. इसे लिखा था 1309 में जियोफ्रे चौसर ने. इसमें टोटल 626 लाइंस हैं और जो 24 टेल्स कैंटरबरी टेल्स में कहा गया उसमें से एक फेमस कहानी है. और आप जानते ही हैं कि सारे जो 30 पिलग्रिम्स थे वे एक फेमस पिलग्रिमेज जा रहे थे जिसको हम लोग कैंटरबरी के नाम से भी जानते हैं. वहाँ पर टूम था थॉमस बेकेट का. तो मैं कोशिश करूँगा आपको लाइन बाय लाइन समझाने का फुल हिंदी में. अगर आप बर्दाश्त कर पाएं तो ये लीजिए, शुरुआत है यहाँ से. वंस लॉन्ग एगो देयर ड्वेल्ट अ पुअर ओल्ड विडो. बहुत साल पहले, बहुत दिन पहले एक बूढ़ी गरीब विडो रहती थी. इन ए स्मॉल कॉटेज बाय लिटिल मिडो, एक हरियाली के जगह पर छोटी सी कुटिया में, बिसाइड ए ग्रोव एंड स्टैंडिंग इन ए डेल, है ना. और वो एक डेल में थी, घाटी में थी, जहाँ पर एक कुंज भी था. दिस वुमन, विडो वुमन ऑफ हुम आई टेल माय टेल, जिस बुढ़िया विधवा की कहानी मैं कह रहा हूँ. सिंस द सैड डे व्हेन लास्ट शी वाज अ वाइफ, तब से मैं ये कहानी कह रहा हूँ जब वो विधवा बनी थी. हैड लेड अ वेरी पेशेंट सिंपल लाइफ, उस समय से वो बहुत ही सिंपल धैर्यपूर्वक जिंदगी जी रही थी. लिट सी हैड इन कैपिटल रेंट, उसके पास पैसे के नाम पर बहुत कम धन थे. बट स्टिल बाय मेकिंग डू विद व्हाट गॉड सेंट, लेकिन फिर भी जो भी भगवान उसे देते, सी केप्ट हरसेल्फ एंड हर टू डॉटर्स गोइंग, उसकी सहायता से वो अपनी और अपनी दो बेटियों की रक्षा कर रही थी, जी रही थी. थ्री हैप्पी सोल्स नो मोर वेल ऑल हर शोइंग, उसके पास टोटल तीन मोटे सुअर थे. थ्री काउज एज वेल, देर वॉज ए शीप कॉल्ड मोली, साथ ही उसके पास तीन गायें भी थी और एक शिप था जिसका नाम मोली था. सूटी हर हॉल हर किचन मेलान कुली, उसके घर उसके हॉल सारे धुएं से भरे, गंदले से, काले जैसे थे. एंड देयर सी एट फुल मेनी अ सिलेंडर मील, जहाँ पर वो हमेशा से हल्का फुल्का भोजन, कम पौष्टिक भोजन खाई थी. देयर वॉज नो सॉस पिक्वेड टू स्पाइस हर मील, उसके भोजन को खाने के लिए कोई सुंदर सा सॉस बर्तन नहीं था. नो डेंटी मोरसल एवर पास हर थ्रॉट, कभी भी उसके कंठ से सुंदर भोजन, टेस्टी भोजन क्रॉस नहीं किया. अकॉर्डिंग टू हर क्लॉथ सी कट हर कोट, वो अपना जीवन, ये फ्रेज है, वो अपने खर्चे के हिसाब से, अपने खर्च के हिसाब से पैसे कमाती या पैसे कमाती खर्च के अपने हिसाब से. रिप्लिसन नेवर लेफ्ट हर इन डिस्क्वाइट, फिर भी कभी भी भोजन अच्छा ना मिलने के बाद भी कभी वो बेचैन ना होती. एंड ऑल हर फिजिक वाज ए टेम्परेट डाइट, है ना, उसका शरीर बिल्कुल बैलेंस था. हार्ड वर्क फॉर एक्सरसाइज एंड हार्ट्स कंटेंट, उसकी संतुष्टि यही था कि वो हार्ड मेहनत करती थी. एंड रिच मैंस गाउ डिड नथिंग टू प्रिवेंट हर डांसिंग एपिलेप्सी स्ट्रक हर नॉट, यहाँ पर यह बताया गया है कि कभी भी उसे रिच मैन का बीमारी नहीं हुआ, जिसको गॉट कहते हैं यानी गठिया नहीं हुआ, जिससे उसको नाचे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना ही एपिलेप्सी. एपिलेप्सी आप समझते हैं, ये एक मानसिक बीमारी है, कभी उसे चोट नहीं पहुंचाई, मिर्गी आप बोल सकते हो. सी ड्रैंक नो वाइन नॉर वाइट नॉर रेड हॉट गॉट, ना ही कभी सफ़ेद मदरा, ना ही कभी लाल मदरा का उसने सेवन किया. हर बोर्ड वाज मोस्टली सर्व विद वाइट एंड ब्लैक, हमेशा उसके बदन पर सफ़ेद और काले कपड़े ही रहते. मिल्क हैड ब्राउन ब्रेड इन विच सी फाउंड नो लैक, उसके पास मिल्क और ब्रेड का कोई कमी ना था. ब्रॉयल्ड बेकन और एन एग और टू वेयर कॉमन, कभी कभी उसे दो अंडे या कभी बॉयल्ड सुअर का मांस उसे मिल जाता. सी वाज इन फैक्ट अ सॉर्ट ऑफ डेरी वुमन, वो एक तरह से डेरी वुमन की जिंदगी जी रही थी. सी हैड अ यार्ड दैट वाज इनक्लोज्ड अबाउट बाय स्टॉकेड एंड अ ड्राई डिच विदाउट, उसके पास एक आंगन था जो कि बंधा, बंद किया हुआ आंगन था लकड़ियों के द्वारा, और साथ ही उसी आंगन के अंदर में एक सूखा हुआ मैदान था, गहरा कह सकते हैं. इन विच सी केप्ट अ कॉक कॉल्ड सॉन्टिकलर, जिसमें वह एक मुर्गा पालती थी जिसका नाम था सॉन्टिकलर. इन ऑल द लैंड फॉर क्रोइंग हैड नो पियर, ये सॉन्टिकलर का जो बांग था, उनका जो क्रोनिंग जो साउंड था, उसका कोई जोड़ा पूरे
वर्ल्ड में नहीं था. हर वॉइस वॉज जॉलियर देन द ऑर्गन ब्लोइंग इन चर्च ऑन संडेज. ही वॉज ग्रेट एट क्रोइंग. उसका आवाज चर्च में संडे के दिन बजती हुई घंटिया से कहीं ज्यादा मीठा था. फार फार मोर रेगुलर देन एनी क्लॉक और एबे बेल द क्रोनिंग ऑफ दिस कॉक. वो किसी भी घड़ी, दुनिया की किसी भी घड़ी, यहां तक कि एबे की मठ की भी घड़ी से ज्यादा टाइमिंग के हिसाब से वो कुकड़ू कू मुर्गा करता था. द इक्विनॉक्टिकल व्हील एंड इट्स पोजिशन एट ईच एसेंट ही न्यू बाय इंट्यूशन. इतना वो बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, तेज मुर्गा था कि रात के एक एक घंटी एक एक पोजिशन का उसे ज्ञान होता. एट एवरी आवर 15 डिग्री ऑफ मूवमेंट. आप जानते हो कि पूरी पृथ्वी को 360 डिग्री बांटा जाए तो 24 घंटा में सूरज जो है 15 डिग्री घूम जाता है. इस प्रकार से हर घंटे का सूरज का चाल उसे मालूम था. ही क्रॉड सो वेल देयर कुड बी नो इम्प्रूवमेंट. इतना अच्छा वो कुकड़ू कू करता कि और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं थी. अब आगे यहाँ से सॉन्टिकलर का करेक्टर स्केच होगा. उसका लुक किस प्रकार था, क्या था, देखता हूँ. हिज कॉम वॉज रेडर देन फाइन कॉरल. कॉरल से भी, मूंगे से कहीं ज़्यादा लाल उसके कॉम थे. कॉम यानी मुर्गे की कलगी. टॉल एंड बैटल मेंटेड लाइक ए कैसल वॉल. लंबा इस प्रकार से देखने में लगता जैसे कि वो दीवाल हो किसी कासल का. हिज बिल वॉज ब्लैक. आप कल्पना कीजिए उसके चोंच काले. एंड सन इज ब्राइट एज जेट. इतने काले जितना कि कोला. लाइक एजोर वेयर हिज लेग्स एंड दे वेर सेट ऑन अजोर टोज विद नेल्स ऑफ लिली वाइट. और उसके जो लेग्स थे, उसके जो टोज थे, वो बिल्कुल गहरा हरे रंग का, जबकि उसके नाखून बिल्कुल सफ़ेद लीली की तरह. लाइक बर्निश गोल्ड हिज फीदर्स फ्लेमिंग ब्राइट. और उसके फिदर जो थे वो अभी अभी आग में दीवा गोल जिस प्रकार से चमक उठता उस प्रकार से थे. बहुत ही शानदार वो मुर्गा था. द जेंटल कॉक वाज मास्टर इन सम मेजर ऑफ सेवन हैंड्स ऑल देयर टू हिज प्लेजर. है ना, इस जेंटल कॉक यानी सॉकटिकलर का के पास सात मुर्गियां थी. दे वेर हिज सिस्टर्स एंड हिज पैरामोर्स. ये उनकी वाइफ थे एवं पत्नियां थी. कलर लाइक हिम इन ऑल पार्टिकुलर्स. जो बिल्कुल उसी के तरह कलर वाले थी. सी विद द लवलीस्ट डाइज अपन हर थ्रॉट वॉज नॉन एज ग्रेसियस लेडी पर्टलॉट. लेकिन उसमें से सबसे सुंदर कंठों वाली एक मुर्गी थी जिसका नाम लेडी पर्टलॉट था. कॉटियस ही वॉज डिस्क्रीट एंड डेबोनर. वो बहुत ही सौम्य, विवेकशील और सुंदर थी. कॉम्पेनेबल टू एंड टुक सच केयर इन हर डिपार्टमेंट सिंस ही वाज 7 डेज ओल्ड. और वो हमेशा उसके साथ रहती और वो उस समय से उसके साथ थी जब वो 7 दिन की थी. सी हेल्ड द हार्ट ऑफ सॉन्टिकलर कंट्रोल. उस सॉन्टिकलर के हृदय पर यही पर्टोलट का राज था. लॉकड अप सिक्योरली इन हर एवरी लिम. है ना, वो उसे हर पल कंट्रोल कर सकती थी. ओ व्हाट ए हैप्पीनेस हिज लव टू हिम. वो हमेशा उसे प्रेम करता था. एंड सच ए जॉय इट वॉज टू हियर देम सिंग. और उन दोनों को एक साथ गाते देखना इतना आनंददायी था. एज वेन द ग्लोसियस सन बिगेन टू स्प्रिंग इन ए स्वीट एकोड. जब वे लोग गाते रहते स्प्रिंग सीजन में, जब ग्लोरियस सन उगता, ये गाना दोनों मिलके गाते थे. माई लव इज फार फ्रॉम लैंड. फॉर इन दोज फार ऑफ डेज आई अंडरस्टैंड ऑल बर्ड्स एनिमल्स कुड स्पीक एंड सिंग. अब लोग कहेंगे कि भाई ये मुर्गे मुर्गियाँ किस तरह से गाते थे. तो इसके लिए चौसर ने ये लाइन दे मारा है कि मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब लोग कहते थे कि बर्ड्स एनिमल्स भी गा बजा सकते थे. मैंने यहीं तक अभी तक बोला है ताकि आप बताएं मुझे कि अगर आपको समझ में पा रहा है तो मैं पार्ट टू भी जल्दी इसका लॉन्च करूँ. थैंक यू. कमेंट के द्वारा बताएंगे तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा.